जय श्री राम दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आइए आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि धनतेरस में किन पांच दानों को आपको करने से आपके जीवन में पुण्य धन सुख समृद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपाय के बारे में हम जानते हैं, वो उपाय है अन्नदान। दोस्तों, दीपावली का जो त्यौहार है वो खुशियों का त्यौहार है। अगर आप किसी के जीवन में खुशियाँ लाते हो तो आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी और माँ लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न हो जाएगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन यदि आप किसी गरीब को अन्नदान करते हैं, वो भी गुप्त तरीके से, तो आपके जीवन में सफलता, सुख समृद्धि और धन संपत्ति आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि आपको किसी गरीब व्यक्ति के घर में अन्न का दान करना है। ऐसा करने पर उस व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपके जीवन को भी माँ लक्ष्मी खुशियों से भर देंगी। दूसरे उपाय के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। दूसरा उपाय है वस्त्रदान। धनतेरस के पहले आपको पीले कलर के या लाल कलर के वस्त्र किसी गरीब को दान करने के लिए खरीदने हैं। आप अपने घर वालों को भी वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद को आप लाल या पीले कलर के वस्त्र दान करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत खुश होती है। इसके अलावा आप पीले कलर की या सफ़ेद कलर की मिठाई भी गरीबों या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, आपके जॉब या बिजनेस में बढ़ोतरी प्राप्त होंगी और इसके अलावा आपको सुख संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होगा। क्या आपने अपना घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, मगर फिर भी आपको मनचाही सफलता, सुख समृद्धि, धन संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। अब घर हो या फ्लैट, ऑफिस हो या दुकान, अब हर वास्तु दोष होगा दूर। आज ही लगाइए वास्तु दोष निवारण सिद्ध हनुमान पोटली और अपने जीवन में मनचाही सफलता एवं धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि पाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ऑर्डर करें मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी के साथ। दोस्तों, तीसरे उपाय के बारे में हम जानते हैं। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपसे रूठा हो या आपके कोई बिजनेस के काम नहीं बन रहे हैं, कोई आपसे नाराज़ हो, तो ऐसे में आपको एक उपाय के बारे में हम बताते हैं। रूठे हुए को मनाने के लिए और रुके कार्य को बनाने के लिए आपको लोहा दान करना ज़रूरी है। याद रहे, धनतेरस के दिन आपको किसी व्यक्ति को किसी मंदिर में, किसी अनाथालय में लोहे के बर्तन या लोहे से संबंधित चीज़ें अगर आप दान करते हैं तो इससे आपके कार्य बनने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात ज़रूर है कि आपको धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना है, लोहे के बर्तन नहीं खरीदना है। आप इसे दीपावली के पहले ही खरीद के रखें और धनतेरस के दिन किसी भोजनालय में बर्तन का दान करें। याद रहे, वो लोहे के ही बर्तन रहना चाहिए। ऐसा करने पर आपसे रूठे हुए लोग आपसे मिलने लगेंगे, आपसे खुशी खुशी बात करने लगेंगे, आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न रहेगी। इसीलिए मित्रों, आपको लोहा दान करना बहुत ज़रूरी है। चौथा उपाय हम बताते हैं, सुहाग का सामान किसी नवविवाहित जोड़े को दे। अगर दीपावली के दिनों में या धनतेरस के दिन अगर किसी ज़रूरतमंद नवविवाहित जोड़े को आप सुहाग का सामान देते हैं तो इससे आपके घर में आने वाली खुशियाँ दुगनी हो जाती है। इसके अलावा उन
नवविवाहित दाम्पत्य जोड़े को आप बेडशीट और नारियल का दान जरूर करें। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होकर माँ लक्ष्मी खुश होती है और आपको मनचाही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी उपाय, धनतेरस के दिन आपको 3 झाड़ू किसी मंदिर में दान करना है। याद रखें, दीपावली के कुछ दिन पहले ही आपको ये झाड़ू खरीदना है और दीपावली के किसी दिन आपको सिर्फ सुबह ही उस मंदिर में ये झाड़ू के दान देना है। ऐसा करने पर आपके घर की सभी दुख दारिद्र दूर होकर आपको सुख समृद्धि संपत्ति का लाभ होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी धनतेरस के दान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।